हेलो, गुड मॉर्निंग। तो ये अभी सुबह 6:30 बजे के बाद का टाइम है। दूध निकालने के बाद मैं आके नहा ली, और नहाने के बाद अब मैं मंदिर साफ कर रही हूँ। मतलब मैं हर रोज ऐसे ही करती हूँ। पहले ना थोड़ा पानी लेके उस मतलब ये ताजा पानी होता है जो, और फिर उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल के यहाँ मतलब एक साफ कपड़े से सारी चीजें साफ कर लेती हूँ यहाँ की। और फिर उसके बाद में पोचा लगाऊंगी। पोचा लगाने के बाद फिर मैं पूजा कर लूंगी बस। और वैसे सब सुबह सुबह सबको पूजा करनी चाहिए अपने घर में सबसे पहले। भगवान जी का नाम भी जरूरी है ना। और हमारा तो देखो यही रूल है। और आप सब बताओ, आप सब भी ऐसे ही करते होंगे ना? बता भी दिया करो कोई कभी कमेंट करके कुछ। चलो मेरे साथ ही आप भगवान जी का नाम ले लो। आप देख तो रहे होंगे ना वीडियो, कई बार कोई कर भी नहीं पाता इस वजह से। और अब मैं ना थोड़ी देर के बाद, मतलब थोड़ी देर के लिए मैं कुछ थोड़ा सा पाठ भी कर लेती हूँ, जो मुझे कुछ भगवान जी का मतलब जो भी मुझे कुछ वो करना होता है मैं कर लेती हूँ। मेरे मंदिर में मैंने गीता भी रखी हुई है, मैंने सब कुछ रखा हुआ है यहाँ पे। और पूजा करने के बाद अब मैं ऊपर आ गई छत पे सूर्य को जल देने के लिए। ये भी हर रोज का ही काम होता है, क्योंकि पूजा करने के बाद तो जल देना तो जरूरी है ना। हेलो, वेलकम बैक टू हरियाणा व्लॉग अरीना। और कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो अभी मैं आपसे ना फेस टू फेस अभी बात कर रही हूँ, क्योंकि वीडियो तो मैंने सुबह से ही शुरू कर दी थी 7 बजे जब मैंने पूजा की थी। बाहर का तो सारा हो गया, बस यही रूम बचा। इसकी मैंने बेडशीट चेंज करनी थी आज। मैंने सोचा कि अब यहाँ सबसे लास्ट में आऊंगी। और आज ना आर्यन अपना एडमिशन कराने गया है स्कूल में। ऐसे बाहर जाना आज के टाइम में ना बहुत ही ज्यादा सेफ्टी, वैसे बहुत सेफ्टी से ही गए हैं। ऐसी कोई वो नहीं, कहीं मतलब भीड़ भाड़ वाली जगह में नहीं गए। और बुक्स वगैरह लानी जरूरी है, क्योंकि फिर ना देखो स्कूल तो अब की बार खुलने का कोई पता ही नहीं, कब खुलेंगे कब नहीं खुलेंगे कुछ नहीं पता। बस यार एक बार एडमिशन करा ले। और क्लासे तो खैर उनकी ऑनलाइन चलती रहती है। बस आज वो अपना एडमिशन करा के आएगा, और जो बुक्स वगैरह है उसकी वो लेके आएगा। क्योंकि अब तक तो ऐसे ही कर रहे थे, मतलब यहीं पे जो पिछली क्लास के रजिस्टर वगैरह होते हैं ना उनमें ही काम कर रहा था। फिर आज अपनी लेके आ जाएगा, वो और उसका चाचा दोनों गए हैं। एक दो दिन पहले जाना था उनको। हाँ उस दिन भी आई कार्ड, मैंने हर जगह आई कार्ड ढूंढ लिया, फिर बड़ी मुश्किल से अलमारी में से मिला। फिर उस दिन मैंने निकाल के दे दिया आई कार्ड, फिर माटू को दे दिया। माटू ने पता नहीं उसको कहाँ रख दिया। आज बड़ी मुश्किल से फिर मिला। फिर अब गए हैं वो, हमें तो कहीं बाहर जाना नहीं। हमने तो फिर भी आज भी घर में रहना, हमने कल भी घर में ही रहना है। लेकिन जो बाहर जाते थे वो भी इस टाइम तो वो भी घर पे ही है। और सबसे ज्यादा है बच्चे। अब हम तो ना बच्चों की वजह से परेशान है बहुत ही, आप समझ नहीं सकते। सच्ची कह रहे बेचारे, हम जितने उनसे परेशान है ना वो क्या करे वो सारा दिन। आप ही बताओ बच्चे क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते बच्चे। थोड़े बड़े हों तो जैसे आर्यन बड़ा है, आर्यन को हम मतलब कहने की कुछ जरूरत नहीं पड़ती उसको। बड़े बच्चे को बोलने की कुछ जरूरत नहीं पड़ती कि बेटा पढ़ाई कर लो, अब ये कर लो, अब वो कर। नहीं, बड़ा बच्चा खुद से कर लेगा अपना। पर जो छोटे बच्चे होते हैं वो परेशान वो करते हैं। और जो माटू की एज के बच्चे होते हैं, आपके पास भी 4 साल से 6 साल तक के बच्चे होंगे ना, वो ऐसे ही करते होंगे। इस टाइम की जो एज है ना, ये कुछ बात समझ भी नहीं पाते। इनको कितना मर्जी आप कुछ भी बोल लो, इनकी समझ में कुछ नहीं। इन्हें करना वही है जो इनकी खुद की मर्जी होगी, और वही काम माटू का। उसने जो करना होता है ना तो अपनी मर्जी से ही करता है। और देखो आज उसका आई कार्ड पता नहीं कहाँ छुपा के रख दिया था, बड़ी मुश्किल से। फिर हम सबने इतने मतलब हर जगह हमने देखा, कहीं नहीं मिला। फिर उससे इतने प्यार प्यार से पूछा, बेटे बता दो भाई का आई कार्ड तुमने कहाँ रखा बेटा बता दो। तब उसने निकाल के दिया, आप सोचो। और फिर अब वो अपना एडमिशन करवाने गए। ऐसे वक्त तो यही होता है ना कि जल्दी जल्दी से कर लो, जल्दी जल्दी से कर लो, उसके बाद थोड़ा आराम से कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्योंकि सुबह में ही सबसे ज्यादा काम फैलता है। अब मैं बेडशीट चेंज करती हूँ जल्दी से उस वाली अलमारी में से निकाल के। और आज ये देखो अभी ऐसे ही पड़ा है कुछ। मैं ना मतलब तकिए वगैरह मैंने वहां पे रख दिए थे। फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं सब अपनी वीडियो शुरू कर लेती हूँ, उसके बाद मैं काम शुरू करूंगी दोबारा से। और अब करती हूँ मैं काम। चलो
और अब मैं बेड पे चादर डाल रही हूँ। पहले ना ये थोड़ा सा जो गद्दा वैसे तो होता नहीं, फिर भी एक उसी चादर के साथ ना थोड़ा सा साफ कर लूंगी, उसके बाद में इस पे चादर डाल दूंगी। और चादर भी तीसरे दिन तो मैं धुल ही देती हूँ अपने बेड की चादर, वैसे भी सारा दिन वही है, फिर भी बच्चे सारा दिन घर में रहते हैं तो वो यहाँ वहाँ ऐसे ही करते रहते हैं। मैं हर सारे बेड की मैं हर तीसरे दिन ही चादर बदल देती हूँ। और अभी देखो तकिए डाल रही हूँ, और तकियों पे भी ना हम जो मतलब नीचे के कवर होता है उसके ऊपर एक और कवर डालते हैं, फिर उसके ऊपर ये वाले कवर डालते हैं जो चादर के साथ होते हैं। जो इसके नीचे वाले कवर है वो भी हम धुल देते हैं, जो हमारी पुरानी चादरें हो जाती है ना जो उनके साथ में आते हैं कवर, वो वाले कवर हम डाल के उनको भी सील देते हैं, फिर कभी कभी उनको भी धुल देते हैं। इसलिए अंदर वाले तकिए हमारे खराब नहीं होते और वो मैले मैले से भी नहीं दिखते। और जो ओढ़ने वाली चादर होती है उसकी भी मैंने तय बना के रख दी, और अब मैं डस्टिंग कर लूंगी। वैसे इतने अब तो होता नहीं, फिर भी ये तो हमारा हर रोज का काम है, एक बार सारी चीज मतलब साफ करने का, ये तो काम है हर रोज हमारा, वैसे करना भी चाहिए। और ये इस मौसम में ना धूल मिट्टी भी कुछ ज्यादा ही, अब तो फिर भी बारिश के बाद कम होगी, इससे पहले तो बहुत ही ज्यादा, क्योंकि वो उसका सीजन था ना फसल का, फसल कटाई में फिर भी थोड़ी सी ज्यादा धूल मिट्टी हो ही जाती है। और अब ये 4 बजे का टाइम है, 4 बजे से मतलब थोड़े पहले का टाइम है। आज ना आर्यन के पापा और चाचा वो यहाँ पे है नहीं, इसलिए आज गाय को नहलाने की ड्यूटी आर्यन और मेरी लगी, आर्यन है मेरे साथ, हम दोनों आगे हम गाय को नहला रहे हैं अब शाम के टाइम। और वैसे गर्म इनको भी तो बेचारे को गर्मी लगती है ना, ये भी नहलाने चाहिए, और मैं पाइप के साथ ही नहला रही हूँ क्योंकि वो तो इधर भी इनको नहला देते हैं खोल के, मतलब जिधर पानी जहाँ से मैंने ये पाइप लगाई हुई है वो तो इधर भी यहाँ पे इनको ला के नहला देंगे, मैं वहीं पे नहला रही हूँ क्योंकि मुझसे ना गायें हैं, गायें भाग जाती है फिर इधर उधर, इस वजह से पहले मैंने आके यहाँ पे झाड़ू लगाई, झाड़ू लगाने के बाद फिर मैंने इनको अच्छे से, अब तो मैं मतलब मैंने थोड़ा सा सीन बाद का लिया है ये, जब मैंने इनको रगड़ रगड़ के अच्छे से नहला दिया उसके बाद मैंने आर्यन को बोला कि थोड़ा सा सीन भी ले ले कि हाँ हम गायें भी नहला रहे हैं आज दोनों मम्मी बेटा। हमारे पास ना 2 गायें हैं और इस वाली गाय का नाम मस्तानी है हमारी गाय का, बछड़ी का, हमने इन सब के नाम रखे हुए हैं। 3 ही है बस, पहले बहुत सारे थे, मतलब 3 गायें थी, 2-3 के बच्चे थे, वो हमने सब बेच दिए, अब हम ये 2 ही गायें रखते हैं। और इनका बस इनकी एक छोटी सी बछड़ी है, यही है बस। वैसे हमें ना गाय का दूध ही ज्यादा अच्छा लगता है, हमारे बच्चे भी गाय का ही पीना पसंद करते हैं। और अब घर आने के बाद मैं चाय बना रही हूँ, और चाय इधर इंडक्शन पे बना रही हूँ, और साथ में कुछ खाने पीने का भी बना लेंगे। और चाय को ना अच्छे से पका पका के खूब उबाल आने के बाद अब इसको मैं स्लो पे करके छोड़ दूंगी, जब तक वो चाय पकेगी। इधर मैं जो मैंने वो चावल की कचरियाँ बनाई थी उनको भी फ्राई कर रही हूँ, और उसके लिए मैंने गैस पे पैन चढ़ा दिया, पैन चढ़ाने के बाद मैंने उसमें तेल डाल दिया, तेल गरम होने के बाद अब मैंने इसमें वो चावल की कचरियाँ डाल दी, और ये देखो कि कैसे फूल जाती है ना ये। इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि कभी कभी बच्चों को घर पे बनी हुई चीज भी देनी चाहिए, देते होंगे सब, ये नहीं बोल रही कि कोई देता नहीं, बस मैं बोल रही हूँ, मैं किसी को ये नहीं कह रही खाते तो बाहर के सब, सबके बच्चे बाहर की चीजें खाते हैं, ये नहीं कि किसी का बच्चा बाहर की चीजें खाता नहीं, हमारे भी खाते हैं, पर हम बीच बीच में घर की बनी हुई चीजें भी उनको देते रहते हैं, इस वजह से बता रही हूँ और माटू तो इनको बोलता है ये तो कुरकुरे हैं, सफेद वाले कुरकुरे हैं मम्मी, ये तो ऐसे बोलता है, मम्मी सफेद वाले कुरकुरे दे दो। और वैसे ये टेस्टी भी बहुत लगी थी, अच्छी थी। और इन ये करने के बाद अब उधर मेरी चाय भी पक जाएगी, अब मैं चाय को छान लूंगी, ये देखो अब मैं चाय को छान रही हूँ, और पक मतलब चाय पकने के बाद देखो उस पे मलाई आ गई, और ये रही मेरी चाय। हेलो, तो आज ना बस जब मैंने आपसे सुबह बात की थी तब जब मैं रूम की सफाई कर रही थी उसके बाद आपसे बात ही नहीं हो भाई, दोपहर का खाना आज मैंने सूट ही नहीं किया, क्योंकि फिर कभी कभी तो छोड़ना भी चाहिए ना, फिर आप हर रोज बोलते हो कि हर रोज खाना दिखाई जाती है हर रोज, एक बीच बीच में ना मैं कोई कोई दिन
खाने में भी गैप लाया करूंगी, मैं हर रोज आपको खाना नहीं दिखाऊंगी, खाना दिखा दिखा के आपको पकाऊंगी नहीं, इस वजह से आज मैं आपको चाय पिलाऊंगी। और बिना सो के उठे हैं और देखो यहाँ हवा चल रही है ना जो बहुत ज्यादा, और कितना अच्छा लगता है बाहर बैठ के। मैं यहीं पे बैठी हूँ क्योंकि 5 बजे के आसपास का टाइम है, इस टाइम यहाँ ठंडी ठंडी सी हवा आने लग जाती है और कितनी अच्छी लगती है ना, तो इसलिए हम चाय पियेंगे अब। और चाय में देखो पी लो आप सब भी, बिस्किट और वो चावल वाली कचरी और चाय, ये मेरे लिए और ये पिंकी के लिए, मैं सबके लिए लेके आई ना, और ये आर्यन के लिए क्योंकि घर में है, घर में कोई दिखावा नहीं करते, यही है अगर कोई मेहमान आ रहा है तभी कप वगैरह में पीते हैं, ऐसे तो हम देखो इनमें ही पियेंगे चाय, गिलासों में ही पीते हैं हम तो चाय, वैसे भी यहाँ सब गिलास में ही चाय पीते हैं इस वजह से। तो आप भी पी लो मेरे साथ, आ जो गिलास आपकी मर्जी, आपने गिलास में पीनी हो या आपने इस मिट्टी वाले इसमें पीनी हो, जिस मर्जी में पीनी हो पी लो, कचरी के साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है ये, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, बिल्कुल करारी करारी है। वैसे भी हमने मतलब बना बना के ना सारी ख़त्म कर दी, दोबारा से बनाऊँगी मैं, और जब दोबारा बनाऊँगी फिर आप सबको दिखाऊँगी एक बार फिर। और इसमें चाय ना बहुत देर तक गर्म नहीं रहती है, इसलिए ठीक है ये गर्मी के मौसम में, क्योंकि इसमें ना थोड़ी सी जल्दी ठंडी हो जाती है चाय। तो मैं भी चाय पी लेती हूँ और मिलती हूँ कल आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके बाय।